दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लेवल को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर की मदद मांगी है और साथ ही साथ इस पूरे प्रोसीजर पे काम चल रहा है कि कैसे आर्टिफिशियल रेन जो कि क्लाउड सीडिंग के थ्रू करवाई जाएगी उससे प्रदूषण में राहत मिल सके। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंद्र अग्रवाल, जो कि उस मीटिंग में भी थे जो आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार के बीच में रही। सर, एक बड़ा सवाल है, आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही है, दिल्ली सरकार इसको बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक्साइटेड कहें तो लग रही है कि ऐसे प्रदूषण लेवल जो है वो कम हो सकता है, तो लोगों के मन में सवाल है कि ये आर्टिफिशियल रेन होती कैसे है और क्लाउड सीडिंग कैसे करके प्रदूषण लेवल को कम ला सकता है। हाँ, क्लाउड सीडिंग एक तरीका है जब जो कि कुछ समय के लिए जिस प्रदूषण का लेवल जिससे कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होते हैं क्लाउड्स। बिना क्लाउड्स के क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है, और क्लाउड्स जो हैं वो भी कुछ विशेष प्रकार के होने चाहिए जिनमें कि मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा अधिक मात्रा में हो, तभी उसको प्रयोग करके हम पानी बरसा सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ये अलग अलग प्रकार के बादल हैं वो दिखाए गए हैं। ये निम्बो स्ट्रैटस जो हैं ये मानसून टाइम में हमें मिलता है, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट यहीं पे होती सी में होता है, और भी अन्य प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इस समय हमारे लिए उपयोगी है वो क्यूमुलोनिम्बस है, जिसमें कि काफ़ी डेप्थ काफ़ी अधिक होती है, थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट भी होता है, लेकिन इसमें टर्बुलेंस काफ़ी होता है, इसलिए इसके अंदर से हवाई जहाज जनरली नहीं उड़ाया जाता। तो अगर बात करें जो प्लेन का इस्तेमाल होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दूसरी स्लाइड है वो दिखाने पाएँ कि कैसे प्लेन के ज़रिए इस क्लाउड्स में क्या छिड़काव किया जाता है कि उससे जो है बारिश हो जाती है। हम क्लाउड के नीचे से प्लेन को उड़ाते हैं और थोड़ा फ्लेयर्स के सहारे उसको स्प्रे का छिड़काव किया जाता है। फ्लेयर्स की वजह से हवा गर्म होती है और वो जो मिक्सचर है वो ऊपर जाके क्लाउड्स के अंदर चला जाता है। हर एक मिक्सचर में एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसके चारों तरफ पानी का जमा होना शुरू होता है और कुछ समय बाद वो ग्रेविटी से बूंद बन के नीचे गिरता है। सर, किस तरीके के प्लेन जैसे इस्तेमाल होते हैं, क्या वो छोटे साइज़ के, और क्या बादलों के ऊपर भी उड़ के इसमें ये छिड़काव किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। एक तो सबसे पहली बात है प्लेन छोटे होने चाहिए, बहुत हाई स्पीड वाले प्लेन जो होते हैं वो तो थोड़ी ही देर में पूरे क्लाउड्स को पार करके निकल जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमें मिक्सर का अच्छे से छिड़काव करना होता है। दूसरा, बहुत हाई ये ऊपर अगर उड़ाएँ प्लेन को उड़ा रहे हैं तो काफ़ी हाइट पे जाना पड़ता है, तो उसके लिए प्रेशराइज्ड केबिन जो होना ज़रूरी है, जबकि अगर नीचे से हम उड़ा रहे हैं तो डीप्रेशराइज्ड केबिन वाले प्लेन भी चल सकेंगे, तो ज़्यादा उपयोगी होता है नीचे से करना। सर, क्योंकि इसमें प्लेन का भी इन्वॉल्वमेंट है और काफ़ी टेक्निकल प्रोसीजर है, तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट भी इसमें होगी। कितनी टेंटेटिव कॉस्ट मान के चलें कि इस पूरे प्रोसीजर में आ जाती है, और अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बड़ा एरिया है, कॉस्ट में कितना किफ़ायती और कितना यूजेबल प्रैक्टिकल है? इसमें कॉस्ट का एक्चुअल कैलकुलेशन हम जब वास्तव में करेंगे तभी हमें पूरे अच्छे से पता चल पाएगा। अभी हम टेंटेटिव एक आइडिया बॉल पार्क फिगर का हम लेके चल रहे हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर करीब 1 लाख रुपए का हमारा एस्टिमेट है कि कॉस्ट आएगी। सर, दिल्ली सरकार की बात करी जाए तो आपकी मीटिंग भी हुई, वहाँ से ये बात आई है कि जितना भी खर्च हो वो सरकार देने को तैयार है और आपकी मदद वो लेना चाह रहे हैं ताकि प्रदूषण लेवल कम होने पाए, लेकिन क्या इससे ही पूरा प्रदूषण कम हो जाएगा या ये स्लाइड कितना इफेक्टिव हो पाएगा ये प्रदूषण कम करने में? दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि इससे प्रदूषण में कुछ समय तक राहत मिलती है, पानी बरसता है, प्रदूषण का लेवल कम हो जाता है क्योंकि जितने पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड वो बह जाते हैं, लेकिन जब तक प्रदूषण का सोर्स को के बारे में कुछ किया नहीं जाएगा तो कुछ समय में फिर से आ जाएंगे पार्टिकल, तो इससे परमानेंट राहत नहीं मिल सकती प्रदूषण से। हाँ, कभी कभी जब कुछ ज़्यादा प्रदूषण हो जाए और बादल हों तो इसका प्रयोग किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको करने के लिए बहुत सारी परमिशंस चाहिए होती हैं। अगर दिल्ली के ऊपर उड़ाना है तो DGCA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि फ़्लाइट्स लगातार चलती रहती हैं, फ़्लाइट पाथ में हम नहीं उड़ सकते, हाइट के भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो बहुत आसान नहीं है इस तरह के सब परमिशन एक साथ एकत्रित करना। तो इसलिए अभी कोई मुझे ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगले दिन या दो दिन बाद हम क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं, अभी काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। आपने बताया कि इसमें काफ़ी जो है वो परमिशंस लगती हैं, कई परमिशंस आईआईटी कानपुर ने ऑब्टेन भी कर ली हैं, अभी परमिशंस के लेवल पे
किस लेवल पे है, किसकी परमिशन अभी बची है जिसके बाद ये पूरा प्रोसीजर होगा? नहीं, अभी कई परमिशंस हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परमिशन होती है, DGCA की परमिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में सब बहुत महत्वपूर्ण लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उठता है तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की परमिशन की आवश्यकता होती है। तो ये सब बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं जिनकी परमिशन चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्लाउड सीडिंग का जो पूरा प्रोसीजर है, लोग इसको लेके प्रोत्साहित हैं क्योंकि ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पे सूखा देखने को मिलता है, ड्राउट मिलता है, वहाँ पे कितना इफेक्टिव ये हो पाएगा और उस एक इशू में IIT कानपुर कितना आगे अभी है? हाँ, ड्राउट के लिए इसका प्रयोग अच्छा हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हमारे देश में कि कुछ एरियाज में पानी बिल्कुल नहीं बरसता, वहाँ सूखा पड़ता है मानसून सीज़न में ही, बल्कि और जबकि कुछ और एरिया में बाढ़ आ जाती है, इतना पानी बरसता है। तो अगर इसको हम थोड़ा क्लाउड सीडिंग के द्वारा बैलेंस कर सकें कि जहाँ ज़्यादा पानी बरस रहा है वहाँ थोड़ा कम बरसे, जहाँ बिल्कुल नहीं बरस रहा वहाँ थोड़ा बरस जाए, तो एक बैलेंस हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंद्र अग्रवाल, जिनका ये पूरा समझाना है कि कैसे ये जो छोटे प्लेन्स हैं वो क्लाउड्स के आसपास फ्लाई करेंगे, नीचे और ऊपर दोनों कर सकते हैं, और कैसे केमिकल्स का यहाँ पे छिड़काव किया जाएगा जिसके खास तरीके के बादल जो मॉनसून में नहीं इस मौसम में होते हैं उनसे बारिश करवाई जा सके। लेकिन ये भी कहना है कि अभी बहुत सारे प्रोसीजर्स इसमें बचे हैं, काफ़ी परमिशंस की ज़रूरत इसमें लगेगी। तो जो दिल्ली सरकार का एक तरीके से दावा है कि वो 2021 के आसपास इस बारिश को करवा के प्रदूषण लेवल कम कर सकते हैं, वो अभी पूरा होता नहीं दिख रहा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर जावला, कानपुर आज तक।